सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 17 सतवंतिन गाय बहुला इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ में कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं। हमने पाठ में देखा कि किस तरह बहुला गाय जो है वो सच बोलती है ना। वो शेर को वादा करती है कि मैं अपने बच्चे से मिल के आ जाऊँगी। उसके बाद वह जैसे ही अपने बच्चे से मिलती है, वो वाकई में वो वापस आती है ना। तो इस तरीके से उसने अपने सत्य का प्रतीक दिया है ना, सच बोलने का प्रतीक दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बहुला गाय कौन में रहिस, है ना। तो कौन में रहिस मतलब कहाँ पर थी। ठीक है, तो उत्तर है बहुला गाय जंगल में रहिस। ठीक है, कहाँ थी वो, जंगल में थी, है ना। जंगल में क्या कर रही थी, वो घूम रही थी, चर रही थी, है ना। चरते हैं ना कि नहीं चरते हैं, ठीक है, खाने की तलाश में जो, तो वैसे ही वो भी जंगल में थी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, बहुला गाय कैसन रहिस, है ना, कैसी थी, कैसी थी बहुला गाय। तो बहुला गाय सतवंतिन रहिस, है ना। ठीक है, सतवंतिन में सच बोलने वाली थी, है ना, बहुला गाय सतवंतिन रहिस। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, गाय ला आगुमा देख के बगवा का सोचे लगिस, है ना। गाय को सामने में देखकर जो बाघ था, है ना, वो क्या सोचने लगा, तो क्या सोचने लगा। उत्तर है, गाय ला आगुमा देख के बगवा सोचे लगिस, आज पेट भर की मांस खाए बन मिल ही, है ना। जो बाघ था वो क्या सोचने लगा गाय को सामने में देखकर, कि आज पेट भर के मांस खाने को मिलेगा, ये सोचने लगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए प्रश्न नंबर चौथा, बहुला गाय के पीला ला देख के बघवा का कहिस, है ना, उसके बच्चे को देखकर, है ना, उसके बच्चे को देखकर, बहुला गाय का जो बच्चा था उसे देखकर, बघवा मतलब बाघ, क्या सोचने, क्या कहा, है ना, क्या कहा उसने। उत्तर है, बहुला गाय के बछरूला देख बघवा कहिस, ए नानकन पिलाला तय काबर संगमा लाने लाने हस, अब मैं एकर का करूँ, है ना। उसने क्या बोला कि ए नानकन पिलाला तय काबर संग में लाए हस, है ना, अब मैं एकर का करूँ, है ना, इसको साथ में क्यों लाई हो, इस छोटे बच्चे को, है ना, मैं इसका क्या करूँगा, ये वो कहने लगा उसके बच्चे को देखकर। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर पांचवा, बहुला गाय और बघवा के भेंट कौन मेर होइस, मतलब दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई, है ना। तो कहाँ पर हुई, बहुला गाय और बघवा के भेंट बघवा के माड़ा में होइस, है ना। तो बहुला गाय और जो बाघ था उसका मुलाकात जो है वो बाघ के गुफा के पास हुआ, है ना। वो घास चरते चरते कहाँ पहुँच गई, गुफा के पास पहुँच गई, तो वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर छठवा है, बघवा के मन काबर पसीज गए, है ना, क्यों पसीज गया, क्यों पिघल गया। पीला के अपन महतारी के बलदा मा अपन प्राण ला दे बर तैयार देखे देख के, और गाय अपन वचन ला निभाए बर अपन प्राण के चिंता नहीं करिस, एला देख के बघवा के मन पसीज गए, है ना। जो उसका बच्चा था, गाय का जो बच्चा था, वो अपने माँ के बदले अपनी जान देने को तैयार था, है ना, और जो गाय थी वो भी कैसी थी, सच बोलने वाली थी, है ना। उसने बोला था कि मैं वापस आऊँगी, तो वो अपने प्राणों की चिंता नहीं की, वो वापस आई। इनको देखकर, इन दोनों बातों को देखकर जो बाघ था उसका मन जो है पिघल गया, है ना, पसीज गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, खाली में लिखाए मुहारा मन के मायने और वाक्य में प्रयोग करो, है ना, मायने लिखना है, मीनिंग, और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे लाड चुचवागे, लाड चुचवागे मीन्स क्या होगा, लालच आगे,
है ना, लालच आना, लालच जाना मीन्स लालच आना। तो उसको हम क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे, गायला देख के भगवा के लार चुचवा गे, है ना, ठीक है। फिर है ख, मन पसीज गे, मतलब दया आ गए, है ना, दया आ जाना, दया की भावना आ जाना, पिघल जाना मन, ठीक है। तो इसका क्या होगा वाक्य प्रयोग, भिखारीला देख के मुला दया आ गई, है ना, या मेरा मन पसीज गया, पसीज गए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है मुंह उतर गए, मतलब दुखी हो गए, मुंह उतर गए मीन्स दुखी हो गए, भगवा के गोटला सुन के गाय के मुंह उतर गए, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन मुहावरों के वाक्य मीनिंग लिखना है और वाक्यों में भी प्रयोग करना है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर छूटा हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको कंप्लीट करके सेंड कीजिए।